the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. तो दोस्तों अभी पहुंचे हम पांडीपुल, और जो पांडीपुल तो थे यार हम तो टर्की टर्की अरे यार माइक तेरे पे उधर। हेलो गाइस, वेलकम टू इक्विट लाइडर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। और दोस्तों आपने हमारी पिछले वीडियो को काफ़ी प्यार सपोर्ट दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं रवाई घाटी, जो कि हमारा होम टाउन है बड़कोट। गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो गाइस, ये है रवाई घाटी, और जो सामने आप देख रहे हो ये है बड़कोट, और जिन नीचे जो नदी बह रही है ये है यमुना नदी, और ये है बड़कोट, और सामने जो पर्वत आप देख रहे हो यह है बंदरपुंज पर्वत, और यहाँ से यमुनोत्री 50 किलोमीटर दूर है। अभी हम पहुंचे हैं यमुना नदी के सामने, ये पांडीपुल में, और सामने बड़कोट। तो चलिए हम अभी जा रहे हैं जहाँ पे तिलाड़ी हत्याकांड हुआ था। रोड तो नहीं है इसके आगे, तो यहाँ से हमें अभी पैदल जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर नदी के किनारे होते हुए। सो गाइस, अभी हम पहुंचे हैं तिलाड़ी कांड जहाँ पे हुआ था। 30 मई उत्तराखंड के इतिहास में एक रक्त रंजित तारीख है। इसी दिन 1934 में तत्कालीन टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह ने रवाई के तिलाड़ी स्थित मैदान में अपना लोकल जलियांवाला बाग कांड रच डाला। जंगलों पर अपने अधिकारों के लिए तिलाड़ी मैदान में जमा हुए सैकड़ों लोगों को राजा की फौज ने तीनों तरफ से घेर लिया। चौथी तरफ यमुना नदी अपने प्रचंड वेग में बह रही थी। बिना किसी चेतावनी के राजा की फौज ने निहत्थे लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। कुछ लोगों का शिकार हुआ, कुछ ने बचने के लिए यमुना नदी में छलांग लगा दी, वे भी नदी की तेज धारा में बह गए। ओहो, थोड़ा सा यार, अरे वो गाड़ी आएगी ना। गाइस, ड्राइविंग करते समय बेजुबान जानवरों का ध्यान रखा करो, इनका भी परिवार होता है, इनकी भी कोई राह दिख रहा होता है।